have like, you know, in my answer, right? I cannot really tell like timing or anything. That's fine. Because we don't know yet. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हितेश गेमिंग के अंदर। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली आज बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में तथा पबजी मोबाइल न्यू स्टैंड। आपको पता है पबजी मोबाइल न्यू स्टैंड के पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया इंडिया, चाइना तथा वियतनाम को छोड़ के। इन तीनों देशों में कब तक आ सकता है इसकी हम बात नहीं करने वाले थे। हम पबजी मोबाइल न्यू स्टैंड की सिर्फ इंडिया के अंदर प्री रजिस्ट्रेशन कब तक आ सकता है इसकी हम बात करने वाले थे। पबजी मोबाइल इंडिया कब तक आ सकता है इसके बारे में आपको बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो में। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि क्राप्टे ने पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में क्या बताया है कि भाई वो कब तक पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ऑफिशियल उनकी न्यूज बता देता हूँ। Our favorite game, India's favorite game back. What's happening? Yeah, I mean, we don't really have like, you know, in my answer, right? I cannot really tell like timing or anything. That's fine. Because we don't know yet. But what I can tell you that is we care about Indian market greatly, and also that's why I get to know you and get to know a lot of friends in Indian gaming industry now. So definitely, I think we will work hard to make it happen. So I mean that's the best someone can ask for, right? And that's just, I think that's what I'm taking away from this. There is intent. There is a desire to go ahead and make this happen. Rest, yep. We have to sometimes leave it to the other people to go ahead and make it happen in some way and form. Yep. No, I appreciate that. I really appreciate that. अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती है और ये यहाँ पर बात हुई इसके बारे में आपको नहीं जानकारी है तो मैं बता दूँ, इसके अंदर हमारे जो इंडियन जिन्होंने पूछा था कि भाई कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई आपका पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में क्या कहना है, पबजी मोबाइल इंडिया कब तक लॉन्च हो सकता है, तो भाई क्राप्टोन वालों ने साफ साफ बोल दिया इस पर भाई हमारे पास अभी इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं है कि भाई इस तारीख को हम पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने वाले हैं। यह पूरी की पूरी जानकारी अब गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे ही गवर्नमेंट अप्रूवल देगी उसी वक्त हम पबजी मोबाइल इंडिया को लॉन्च कर देंगे। तो भाई क्राप्टोन ने ये बता दिया है कि भाई जो 70 क्यूरी जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पूछी गई थी उसका उन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया तथा जो वॉयलेंस थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया है और उन्होंने जो प्लान था उसको भी रेडी रख रखा है ताकि जो पबजी मोबाइल इंडिया को जैसे गवर्नमेंट अप्रूवल दे दी उसी वक्त वो लॉन्च कर दाई ताकि पबजी मोबाइल इंडिया को और लेट ना हो। भाई सबसे पहले तो भाई मैं अपना रिएक्शन बता देता हूँ कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आने से अपने भाई अपने यूट्यूबरों पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई मैं सबसे पहले बता दूँ भाई जो भाई बड़े बड़े यूट्यूबर है वो तो भाई अगर पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आएंगे ना तो वो तो भाई आसानी से निकल जाएंगे। अगर भाई जैसे जो भाई मेरी तरह छोटे छोटे यूट्यूबर जिन्होंने अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया उसके बाद वो अपने चैनल को ग्रो करना चाहते थे भाई उनके पास भाई एक ही तरीका था वो था पबजी मोबाइल। भाई अगर पबजी मोबाइल होता तो भाई जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भाई जो यूट्यूबर थे वो भाई आसानी से भाई ग्रो कर जाते होता था भाई आसानी से बहुत बड़े भाई यूट्यूबर बन सकते थे। लेकिन जैसे भाई जो मेरी तरह भाई छोटे छोटे यूट्यूबर है वो भाई अब भाई रोने की स्थिति में आ गए। जैसे भाई गवर्नमेंट बोलते हैं भाई पबजी मोबाइल इंडिया, भाई उनको भाई पूरी की पूरी होप थी कि मार्च के अंदर भाई पबजी मोबाइल इंडिया आ जाएगा। लेकिन जैसे मार्च के अंदर पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आया ना तो हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर भाई टूट जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं टूटेंगे, भाई सबके सब भाई यूट्यूबर टूट जाने वाले हैं। भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप गेम खेलना छोड़ दोगे। लेकिन भाई हमने भाई बहुत मेहनत करके 6-7 मंथ या 1000 साल के अंदर अंदर भाई 1000 सब्सक्राइबर गेन किया, वो भाई बहुत बड़ी होप लेके कि जैसे 1000 होगा उसके बाद हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे तथा और ज़्यादा ग्रो कर देंगे। लेकिन अब भाई आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए भाई आप इंडिया के अंदर पबजी के अलावा ऐसा कोई गेम नहीं है जो भाई आपको देखने के लिए पसंद होता है, आपको उसकी जानकारी थी। भाई मुझे दूसरे यूट्यूबरों के बारे में भाई कोई जानकारी नहीं है, मुझे भाई जहाँ तक मेरी जान पहचान है वो भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं हो, जो बड़े बड़े यूट्यूबरों के अंदर भाई जान पहचान है उनको भाई पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें मालूम जैसे पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आई तो हमारे लिए और भी गेम है तथा उनके पास ऑडियंस है। जैसे मेरी तरह छोटे छोटे यूट्यूबर है जिन्होंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है उन्होंने अभी 1000 किया ना वो अभी भाई जैसे पबजी मोबाइल इंडिया की भाई खबर आती है कि पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आने वाले वो भाई रोने लग जाते हैं। जैसे भाई मैं भी भाई घंटों घंटों रो लेता हूँ क्योंकि भाई हमारे लिए सबसे बड़ी आज ही पबजी मोबाइल इंडिया थी भाई, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑफ नहीं है कि भाई हम अपने चैनल को भाई आगे ग्रो कर पाएँ। आपको भी मालूम होना चाहिए भाई ये गवर्नमेंट को जानना चाहिए कि भाई हमारी आज पबजी की भाई कितने लोग डिफेंड हो गए हैं क्योंकि वो भाई अपने पबजी के अंदर करियर देखते हैं। जैसे मैं भी भाई बहुत बड़ी आस लेके आया था कि पबजी के अंदर मैं अपना करियर बनाऊंगा तथा वो दूसरी चीज़ को छोड़ के मैं आज पबजी के भाई बहुत ज़्यादा पबजी को फैन बन गया तथा पबजी के बारे में पूरी जानकारी थी वो भाई मैं लोगों के अंदर शेयर करने लगा तथा भाई 6 मंथ के अंदर भाई मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए।
क्योंकि भाई आप आपकी भाई बहुत बड़ा सपोर्ट था कि भाई आपको मालूम था कि भाई बंदे के अंदर छोटा बड़ा थोड़ा बहुत टैलेंट है, उसको भाई हम सपोर्ट करते हैं। उसी टैलेंट के दम पर भाई मैंने भाई अपना चैनल बना लिया, वो तो था भाई 1000 सब्सक्राइब प्लस लेके चला गया, क्योंकि भाई मुझे आप पे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि भाई आप मुझे सपोर्ट करोगे। उसके बाद अब भाई जैसे भाई अब इंडियन गवर्नमेंट की भाई बात आती है सपोर्ट की, तो भाई वो भाई किसी भी कोई सपोर्ट नहीं करती भाई। जैसे पबजी मोबाइल इंडिया भाई उनको टेंसेंट से प्रॉब्लम थी कि वो डेटा चोरी करता है, तो भाई वो डेटा का वो तो भाई प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया। उसके बाद वो वॉयलेंस की बात आती है, भाई वॉयलेंस भाई दूसरे गेम उससे भी तो होता है, ऐसा नहीं कि दूसरे गेम से वॉयलेंस नहीं होता है। अगर वॉयलेंस की बात अगर गेम की बात करें तो भाई GTA 5 दुनिया का सबसे बड़ा भाई वॉयलेंस वाला गेम है जिसको भाई इंडिया के अंदर अलाउ कर रखा है। उसके बाद भाई अगर मेरे को भाई नाम नहीं लेना चाहिए, पबजी मोबाइल PC वो भी तो भाई चल रहा है इंडिया के अंदर, उसको उसके अंदर क्या वॉयलेंस नहीं है। अगर वो छोड़ो भाई वो गेमिंग वो आगे भाई PC के अंदर गेम आ गया, हम भाई मोबाइल वालों में बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा उसमें आ जाता है भाई फ्री फायर का नाम आ जाता है, पबजी के बाद उसी का नाम आता है, उसमें क्या वॉयलेंस नहीं है। उसमें भाई छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, और ऐसा नहीं कि भाई पबजी तो भाई बड़े लोग खेलते थे क्योंकि छोटे बच्चों की संख्या में क्योंकि इतना बड़ा फ़ोन नहीं होता होगा कि भाई वो इतने आसानी से भाई पबजी मोबाइल खेल ले। लेकिन फ्री फायर भाई छोटे छोटे बच्चे फ्री फायर खेलते हैं, उनको फेवरेट गेम बन रखा है। उसके बाद हम भाई वॉयलेंस की बात कर लेते हैं, भाई COD मोबाइल जिसको हम बोलते हैं भाई कॉल ऑफ ड्यूटी, उसको भी तो भाई उसके अंदर भी तो वॉयलेंस है, उसको तो बैन करना चाहिए। उसको बैन क्यों नहीं करो, उसके अंदर क्या क्या गड़बड़ है कि भाई उसे आप बैन नहीं करते। उसको आके भाई गवर्नमेंट को साफ साफ आके बताना चाहिए कि हम उसको बैन क्यों नहीं करें, जिस कारण से हम बैन नहीं करते। अगर वो साफ साफ बताएंगे तो पबजी मोबाइल को भी मालूम चल जाएगा भाई हमारे से ये गलती हो रही है, हम जाके भाई उसको जाके सोल्यूशन करें। वो सामने से बता कुछ नहीं, केवल बोल रहे हैं भाई उसको भाई आगे हमने बैन आगे एक्सटेंड कर दिया, उसको हम बैन नहीं हटाने वाले पबजी। अब भाई गवर्नमेंट को भाई साफ साफ बता देना चाहिए कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई जैसे भाई हमारे जैसे छोटे बड़े यूट्यूबर है ना, उनको भाई बहुत बड़ी आस है कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला है, उसके बाद हमारा चैनल आसानी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर वो आके बता देना कि भाई हमारा पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आने वाला है, तो भाई हम भाई दूसरे गेम की तरफ चले जाए, उस गेम को भाई आगे लेके आए तो उससे भाई हम अपने चैनल को ग्रो कर पाए। वरना भाई बड़े बड़े यूट्यूबर वो तो भाई आसानी से कोई भी एक गेम को नहीं कपड़ेंगे, बहुत सारे गेम कपड़ लेंगे तो उसके बाद वो अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे। जैसे भाई हमारे जैसे यूट्यूबर नए तो हमारे पास ऑडियंस है नहीं, आपको कोई भाई दूसरा गेम खेलना पसंद आता होगा कि भाई हम वो गेम उठा लें तथा उसके बारे में हम आपको बता दें तथा उसके बारे में आपको उसका गेम प्ले अपलोड करते हैं, तो आप बोलोगे भाई क्या ये टट्टी चीज लेके आ गए। इससे भाई हमारा भी भाई मनोबल टूट जाता है भाई। जैसे भाई मानोगे ना तो भाई मैं बता देता हूँ साफ, भाई मेरा मनोबल भाई पिछले एक महीने से इतना टूट गया है, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर भाई अभी जो भी भाई डेली नहीं आती होगी, बहुत मुश्किल से मैं 7 दिनों से 8 दिनों से या 10 दिनों से एक वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा भाई मनोबल टूट गया। जैसे मैं शुरुआत में आया था ना भाई मेरा कोई मनोबल नहीं टूटा था, ऐसा नहीं कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरा चैनल भी मोनेटाइज आसानी से मैंने भाई $25 भाई अर्न कर ली। उसके बाद भाई मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ भाई मेरा मन नहीं है यूट्यूब पे भाई, तो बोलते भाई ऐसे कौन छोड़ता है भाई यूट्यूब चैनल को जिन्होंने भाई $25 अर्न करने के बाद भाई छोड़ने के अलावा भाई हमारे पास और कोई इंडियन अब यूट्यूबर गेमिंग कम्युनिटी के अंदर भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि और वो कोई किस गेम की तरफ भाई जाए। अभी भाई मुझे कमेंट के अंदर आखिरी तक देख रहे हो गेम भाई बता दो भाई आप उस गेम की तरफ जाए हमें देखने के लिए पसंद आएगा, वरना भाई हमारे पास अब कोई भी होप नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के अलावा कि भाई वो पबजी मोबाइल के बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय ले, या तो अनबैन कर दे या उसको बैन कंटिन्यू सामने से आके बोल दे कि भाई पबजी मोबाइल इंडिया अब नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप एक नेक्स्ट